नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। मौसम बदल रहा है, इतने दिन तक बेतहाशा गर्मी हो रही थी, अब जाड़े की ओर मौसम चलना शुरू हो रहा है। ये दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, इन सब समय के बाद से ही मौसम अपना करवट बदल लेगा। और मौसम बदलने के साथ साथ जो एलर्जिक पेशेंट्स जो लोग हैं, जिनको एलर्जी जनित प्रॉब्लम होता है, उनका प्रॉब्लम्स लेकिन बढ़ता है। एलर्जिक प्रॉब्लम्स क्या होता है? जनरली हम लोग जो जानते हैं, बदन में दाफड़ दाफड़ होना, नोच नहीं होना, ठोट फूल जाना, आँख फूल जाना, इसको हम लोग एलर्जी जानते हैं। इसके अलावा जो और एलर्जी जनित प्रॉब्लम्स है, वो सर्दी, खांसी, छींक, नज़ला, हफनी, सांस में तकलीफ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, अर्टिकेरिया, ये सारे एलर्जिक प्रॉब्लम्स के तहत आते हैं। और इस तरह के जो पेशेंट्स हैं, उनको आगामी दिन में जब जैसे जैसे मौसम बदलेगा, वैसे ये प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि एलर्जी का डायरेक्ट लिंक एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से है। हम लोग जो सांस लेते छोड़ते हैं, ये सांस लेने छोड़ने के साथ इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, बहुत सारे पोलेंट्स, ये एटमॉस्फेरिक चेंज के टाइम एबॉन्डेंटली रहता है, जो हम लोग के सांस के साथ शरीर में प्रवेश करता है। हम लोग एलर्जिक पेशेंट्स जो होते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खोजना शुरू करते हैं किन चीज़ों से मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, जिस वजह से मेरा एलर्जी बढ़ा कम। एलर्जी बढ़ना कमना खाने पीने से होता है, लेकिन उसका मात्रा बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला, क्रिएट करने वाला चीज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। पोलेंस है, फंजाई है, हाउस डस्ट है, डस्ट माइट है, इन फ्यूम्स ऑफ इंसेक्ट्स है, एनिमल डैंडर्स हैं, ये सारे चीज़ हम लोग सांस प्रणाली से अंदर प्रवेश करके एलर्जी क्रिएट करते हैं। तो सीजनल चेंज जब होगा, तब बहुत ज़्यादा अबॉन्डेंट पोलेंस रहेगा एटमॉस्फेयर में, और ये सारे पोलेंस अंदर जाके, अगर आप हाइपर सेंसिटिव हैं, तो वो आपके बॉडी में जाके हाइपर रिएक्टिविटी करेगा, और ये हाइपर रिएक्टिविटी करने से ही एलर्जिक प्रॉब्लम से वृद्धि आएगा। हम लोगों को पहचानना है, जानना है कि किन किन चीज़ों से ये एलर्जीज हो रहा है। इसके लिए हम लोग को वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट में चमड़े में एलर्जेंस प्लेस करके उसको बड़ा सुपरफिशियल प्रिक्स हम लोग करते हैं, और वो स्किन से रिएक्ट करता है, क्योंकि जो मास्क सेल रिसेप्टर सेल्स हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में बैठा हुआ है, जो सांस से अंदर एलर्जेंस प्रवेश करने से जिसको रिसीव करके एलर्जिक कैस्केड तैयार करके आईजी का लेवल रेज करके जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ सिग्नल भेजता है कि यहाँ अभी ट्रिगरिंग फैक्टर करना है, वही सेम मास्क सेल जो रिसेप्टर सेल है, वो रिसेप्टर सेल हम लोग के ठीक चमड़े के नीचे बैठा रहता है। तो नेचुरली एलर्जेंस को जब इंटरेक्ट कराते हैं हम लोग, तो वो अपना एक रिएक्शन स्किन के ऊपर देता है, और हम लोग पहचान पाते हैं कि किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि अगर स्किन प्रिक टेस्ट बहुत सारे सुइयां लगना, नीडल्स पियर्स करना, ब्लीडिंग होना, ओजिंग होना, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, ये एक जर्मन टेक्नोलॉजी है, कोई ब्लीडिंग, ओजिंग, पेन कुछ नहीं होता है। बहुत ईजिली, कम्फर्टेबली बच्चे भी अपने यहाँ करा सकते हैं, और ये टेस्ट करके जब चिन्हित हो जाएगा, पहचान हो जाएगा किन किन चीज़ों से एलर्जी होने के वजह से ये सीजनल चेंज के टाइम एलर्जी टेंटामाउंट हुआ है, बढ़ा है, ट्रिगर किया है, तो पहचान जब हो जाएगा तो कारण जान जाएंगे, तो निवारण भी संभव है। इसलिए निवारण के लिए हम लोग एलर्जिन एक्सट्रैक्ट, इम्यूनोथेरेपी, वैक्सीन्स देते हैं। ये वैक्सीन्स रेडीमेड नहीं मिलता है, ये टेलर मेड वैक्सीन्स है, ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तैयार किया कराया जाता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। आपका एलर्जी टेस्ट होने के बाद जिन जिन चीज़ों में हाइपर सेंसिटिविटी है, उसको पहचान के उसके बेसिस में वो इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बना। इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन भी अब सुन के आप डर जाएंगे कि वैक्सीन मतलब बराबर सुई लगेगा, नहीं, सुई वाला नहीं है। जैसे दो बूंद जिंदगी, पोलियो ड्रॉप्स है, वो भी वैक्सीन है, मुँह में ड्रॉप देना है बच्चों का, वैसे ही एलर्जिन एक्सट्रैक्ट वैक्सीन भी हम लोग यहाँ जो बनाते हैं वो सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, जीभ के नीचे ड्रॉप लेने वाला वैक्सीन रहता है, बड़ा कंफर्टेबल है, अपने आप आराम से ले सकते हैं। एक साल का कोर्स हम लोग बना के पूरा एक साथ दे देते हैं, और ये वैक्सीन लेने के बाद ग्रेजुअली बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाता है,
अगर टेररिस्ट अटैक अंदर हो रहा है तो हम लोग कमांडो भेज के कॉर्डन कर देना है कि ताकि टेररिस्ट डर से ही भाग जाए, अंदर प्रवेश ही नहीं करे, या प्रवेश भी करे छुप के दुबक के बैठा रहे, आपके ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं करे। इस तरह का परिचय हुआ, अगर आपको लेने की ज़रूरत पड़े नीचे दिए गए दो अपॉइंटमेंट नंबर हैं उन पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिचय ले सकते हैं। मैं कोलकाता में एलर्जी अस्थमा सेंटर सियालदह स्टेशन के पास मॉल अली मस्जिद और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में यहाँ अवेलेबल हूँ। आप लोग अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिचय ले सकते हैं। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर के उस